नई शिक्षा नीति 2020 में मानवीय संवेदनाओं, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को भी स्थान दिया गया है। इसका मकसद है समाज के लिए अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए लोक कल्याणकारी विचारों को बढ़ावा देना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का सिद्धांत भी इसी विचारों का पोषक था। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर आयोजित पुष्पार्चन कार्यक्रम में कही। कुलपति ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2 क्रेडिट का कोर्स भी तैयार किया है, जिसे छात्रों के लिए अनिवार्य बनाया गया है। मकसद उनके सिद्धांतों और विचारों से आज की युवा पीढ़ी को अवगत कराना है। हाल ही में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से लखनऊ में हुई शिष्टाचार मुलाकात के दौरान भी इस कोर्स के बारे में उन्हें जानकारी दी गई। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्णय की सराहना भी की। मुख्य अतिथि नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि विचारधाराओं की कोई दलगत सीमा नहीं होती है। महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल जी के विचार समाज के सकारात्मक विकास, सभी के विकास पर आधारित थे। दीनदयाल शोधपीठ के निदेशक प्रोफेसर संजीत गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत एवं आभार ज्ञापन संस्कृत विभाग की आचार्य डॉ. रंजन लता ने किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, सर क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं हो सकती है, पाली कुलपति को भी जाना है, परंतु मैं डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जी नगर विधायक, मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम मैं आया था तो कार्यक्रम मैं अच्छा चाहता था, इतना अच्छा नहीं था इस बार भी, और चूँकि कोरोना और इलेक्शन दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि और अच्छा होगा। एक सफाई कार्यक्रम था, इसी बार तो काफ़ी कॉलेज, इंटर स्कूल, बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मैं परसों महामहिम से मिला था, मैंने इस बात की चर्चा की थी कि जो हमने 2 क्रेडिट का कोर्स नहीं कराया, ये यूनिक चीज़ है कि ये 2 क्रेडिट का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पे उस पर हम लोगों ने चर्चा की, विशेषज्ञ बुलाए और थोड़ा भी इसको बनाया, इस बार ऑफर भी हुआ है और कंपलसरी कोर्स है। अगर बच्चे को अगर डिग्री चाहिए तो दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर का 2 क्रेडिट कोर्स करना होगा। तो वहाँ मैं ही कह रही थी ये तो सारी यूनिवर्सिटीज में होना चाहिए और मुझे उम्मीद है जल्दी ये सारी यूनिवर्सिटी में जाना होगा। तो ये हमारी पहल थी, ये जो हम लोगों ने सभी कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के किया, ये बहुत बड़ी देन है। तो शायद वो इतने लोग उसको ऑफर नहीं करते, लेकिन हम लोगों ने कंपेरेटिव किया लोहिया जी के ऊपर, गांधी जी के ऊपर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर। तो ये वो स्टार्ट कर देना एक चीज़ होती है, उसको फिर चलाना दूसरी चीज़ होती है। हम लोगों को स्टार्ट किया, लेकिन फॉर्चुनेटली उसमें बच्चों ने लिया है, जरूरत है उसको प्रोसीड में, उसका कार्यक्रम 12 बजे है तो उसमें बच्चे कम आए, तो आज उसकी प्रमोशन के लिए मैं जाऊँगा तो बात करेंगे कि कैसे ये हमारी संस्कृति है। सर विजेताओं को बधाई देता हूँ, ये हमारे लिए एजुकेशन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपके जो कोर्सेज आपको लेने चाहिए और उसको स्टडी करना चाहिए, जिससे कि आप जो भी उसमें अच्छाइयाँ होंगी अपने ऊपर लाने की कोशिश है। और ये कार्यक्रम आज ख़त्म हुआ है, हम लोग ने उसमें आपने देखा कि कई प्रतियोगिताएं अरेंज की गई थी, जिसमें निबंध की थी और लिटरेचर की थी, वाद विवाद की थी, क्विजेस की थी, तो सारी उसके हम लोग ने पुरस्कार दिए हैं। और ये जो ये 2 क्रेडिट का कोर्स हम लोग ने बनाया है तो हम लोग ने अपने यहाँ तो इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन अब हम लोग की प्लानिंग है कि इनके अगले जन्मदिन तक आते आते हम लोग सरकार से घोषणा कराएं कि ये सारे यूनिवर्सिटीज़ में इसको हम लोग लागू करेंगे।
तो ये छोटा था और भी कई कार्यक्रम आने वाले जो उनकी जन्म दिवस पे काफ़ी 7 दिवसीय कार्यक्रम हम लोग मनाने जा रहे हैं और काफ़ी लोगों को बुला रहे हैं जो भी दीनदयाल जी के ऊपर इंटरनेशनली नोन हैं, जो भी लोग हैं तो आएंगे वहाँ पे बोलेंगे।